फ्रेंड्स, बार बार लाइव शोज में बार बार ये क्वेश्चन आता था कि जर्मन शेफर्ड के रिगार्डिंग, क्या वो जो छोटे बालों वाला होता है क्या वो प्योर होता है, छोटे बालों वाला बढ़िया होता है या लंबे बालों वाला बढ़िया होता है। वैसे जर्मन शेफर्ड में वैसे तो बहुत सारे कोट हैं, अगर डीपली जाइए तो बेसिकली तीन ही हम मानते हैं, शॉर्ट कोट, मीडियम कोट एंड लॉन्ग कोट। डबल कोट बहुत वो बहुत लंबे बाल होते हैं और वो सिर्फ ज़्यादातर आपको सर्दियों के सीज़न में ज़्यादा पाया जाता है, गर्मियों में मिल जाता है लेकिन बहुत बहुत महंगा और बहुत हार्ड। तो आज का टॉपिक इसके ऊपर है कि जो आपको मैं डेमो दूंगा, मेरे फार्म में दो मेरे डॉग हैं जर्मन शेफर्ड, दो तरह के हैं, छोटे बालों वाला एंड लंबे बालों वाला, क्या इसमें डिफरेंस है। पूरी वीडियो देखोगे आपको सब पॉइंट टू पॉइंट सब बातें समझ आ जाएगी। तो लेट्स लेकर आते हैं इनको सुबह से। बोलो हेलो, अगर आप हमारी फ्रेंचाइज लेना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कस्टमर केयर पर बात कीजिए और हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप वॉइस मैसेज में अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे। वैसे हमारा आईवीआर नंबर 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है, तो आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शॉर्ट कोटेड एंड लॉन्ग कोटेड में क्या डिफरेंस होता है, उसका डेमो। शॉर्ट कोटेड जर्मन शेफर्ड प्योर क्वालिटी बट शॉर्ट कोटेड है, इसलिए इसको गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। आप अगर आपके वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 40-50 के आसपास चला जाता है, तो आप इंडिया के जहाँ भी रह रहे हो तो शॉर्ट कोटेड रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बालों का इशू, बाल आप संभाल नहीं पाओगे, तो शॉर्ट कोटेड रख सकते हैं। अगर आप बढ़िया लॉन्ग कोटेड बाल संभाल सकते हो, क्यों कर सकते हो, तो मेरे पास नेक्स्ट आपका जो डेमो है वो लॉन्ग कोटेड जर्मन शेफर्ड। ये वीडियो बनाने का एक मोटिव है कि बार बार क्वेश्चन किया जाए, बेस्ट फैमिली डॉग का फर्स्ट टाइम डॉग ऑनर के लिए और शॉर्ट कोटेड संभालना आसान होता है हर मौसम में, हर वेदर में, ठंडियों में भी और गर्मी में भी। लेकिन अगर उस तरह का आपके पास लॉन्ग कोटेड बढ़िया जो जर्मन ब्लैक एंड टैन कलर में है, तो उसके लिए ये क्या होता है कि दिन में एक बार कंघी करना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी आप कह लो, खासकर जब हेयर कट होता है। खास पान में दोनों का कोई खास फर्क नहीं है, सेम होगा खर्चा, क्वालिटी वाइज कोई आप बताओ का फर्क है एंड कलर का फर्क है। वो अगर आप कह लो ब्लैक ब्राउन कलर में है, वो ब्लैक एंड टैन कलर में है, लेकिन उसका केयर उससे कई गुना ज़्यादा है। उसका स्किन की प्रॉब्लम गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रॉपर अगर आपके पास लंबे बालों वाली कोई ब्रीड है, यू कैन ईजी अंडरस्टैंड लंबे बालों वाली ब्रीड का केयर कितना, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई पिंपल कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, तो अगर आप प्रॉपर उसकी रोज कॉम ग्रूमिंग नहीं करोगे तो आप वो चीज़ पकड़ नहीं पाओगे और वो चीज़ बहुत बढ़ जाती है, इन्फेक्शन या कोई और वगैरह बन जाए। तो उसके लिए लॉन्ग कोटेड कोई भी ब्रीड हो, आप चाहे वो सेंट बर्नार्ड हो, लॉन्ग कोटेड जर्मन शेफर्ड हो, और कोई लासा एफ्सो, शिज्यू, बड़ी छोटी कोई ब्रीड, लेकिन उसके लिए स्किन का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। बैक टू द टॉपिक, आते हैं जर्मन शेफर्ड पर।
बार बार हर फ्रेंड यही कहता है कि ये एक आजकल आपको हर माउथ, ये क्यों आपको नॉर्मली इस तरह का जर्मन शेफर्ड हर घर में दिखेगा, क्योंकि ये संभालना बार बार मैं कह रहा हूँ इजी है, स्किन की प्रॉब्लम हेयर फॉल के समय इजी है मेंटेन रखना, राइट। उस तरह का जर्मन शेफर्ड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। उसका बिग इशू यही है कि उसको जो प्रोफेशनल भी संभाले, प्रोफेशनल भी संभालने में पसीना छूट जाता है, तो नॉन प्रोफेशनल को और भी मुश्किल हो जाता है, आपको कंटिन्यूसली किसी अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट में रहना पड़ेगा। गर्मियों में बहुत दिक्कत आती है, ऐसा नहीं कि सर्दियों में दिक्कत नहीं आती, सर्दियों में भी दिक्कत आती है, लेकिन गर्मियों में बहुत अधिक मात्रा में दिक्कत आती है। तो जो भी मेरे फ्रेंड अब नया प्लान कर रहे हैं इस सीज़न में अपना एक नया बेस्ट फ्रेंड अच्छा गार्ड डॉग लाने के लिए, तो ये एक चॉइस है आपके लिए। जर्मन शेफर्ड ये एक ब्रीड ऐसी है कि ये बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहती है, बड़ों के साथ बड़ों की तरह रहती है। ये बहुत अच्छे वॉच डॉग होते हैं और बहुत अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। बट मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फीमेल लोगे और भी बेटर है, फीमेल बहुत अंडरस्टैंडेबल होती है मेल से। मेल जब भी एक साल के आसपास या प्लस हो जाए या उसके इर्द गिर्द एज हो, तो जब भी हीट का मौसम आता है तो मेल कुछ ऐसी हरकतें करता है जो थोड़ा सा घर में ऑकवर्ड लगता है हमें फैमिली के साथ हो, लेकिन फीमेल जानते हैं यार बस। तो बहुत सारे फ्रेंड फीमेल मानते हैं कि फीमेल घर को गंदा कर देती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आजकल तो डायपर भी आते हैं डॉग के, हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाती है। बाकी बात रही मेल कि जब डॉग का वो फीमेल का वो पीरियड टाइम आता है तो वो खुद ही कमरे में कहीं चुप कर बैठती है, अपने आप को साफ रखती है, क्लीन करती है, लेकिन मेल उसके बिल्कुल उलट होते हैं। तो माई फ्रेंड जर्मन शेफर्ड के दो अलग अलग कोट के हिसाब से आपको ये वीडियो, बट आई अगेन असेस करूंगा कि फिर बस अगर आप इसके प्राइस की बात करो तो ये 10-12 हज़ार से नॉर्मली शुरू हो जाता है। अगर आप रजिस्टर्ड किसी संस्था के, अगर आप रजिस्टर्ड किसी संस्था के पेपर लेना चाहते हो तो ये 20-30 से स्टार्ट होगा, 50,000 70,000 लाख ऐसे बढ़ता जाएगा क्वालिटी वाइज। फीमेल का आप लोगे सस्ती मिलेगी आपको, मेल के अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, मैं मेल का है, फीमेल सस्ती मिलेगी। उसका लीटर साइज कभी कभी तो 10-12, 6-7 ऐसा पपीज होता है, कभी कम भी होता है। लेकिन अगर ब्रीडिंग लाइन एक्टर में करना चाहते हो, सबसे सेफ जिसमें आपको इंडिया में आप किसी भी स्टेट में हो, तो सबसे बेस्ट एंड सेफ जर्मन शेफर्ड में एंटर होना होता है। ये आपका हर जगह हर टाइम बिकता है। आप बूजो की बात करोगे, बूजो कम है, कम बूजो कम, इसलिए आप देख रहे हो कि उसके पॉज जो है वो वाइट है। इसका मतलब ये नहीं है कि बूजो में कोई क्वालिटी का डिफरेंस है, ये KCI रजिस्टर्ड डॉग है, इसके पेपर बने हुए माइक्रोचिप इसका रेडी। जर्मन शेफर्ड में वाइट खाना नॉर्मल, चेस्ट में पॉज में आ जाएगा क्वाइट नॉर्मल, ये इसकी ब्लड लाइन में होता है। बहुत सारे चैंपियन पंजाब में हैं जर्मन शेफर्ड जिनके वाइट पॉज हैं या चेस्ट पर हैं, लेकिन कुछ स्टेटों में जैसे कि हमारे फ्रेंड हैं, हमारी जोधपुर फ्रेंचाइज है, वहाँ से फीडबैक आया था कि वहाँ वो उनको अशुभ मानते हैं या अच्छा नहीं मानते या प्योर नहीं मानते, ऐसा नहीं। जर्मन शेफर्ड में वाइट मार्किंग आना क्वाइट नॉर्मल है, वो देख सकते हो, लेकिन क्वालिटी देख के बोलो बोलो गुड बॉय। Oh, 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 oh